स्पॉन्सर्ड बाय फूड अड्डा मुंबई फेमस फास्ट फूड ब्रांड। नवरात्र स्थापना के साथ ही आजाद चौक में शुरू हुआ रामलीला मंचन। हर वर्ष नवरात्र में शहर के बीचों बीच आजाद चौक में श्री रामलीला कमेटी द्वारा रामलीला का मंचन होता है, लेकिन पिछले दो सालों से कोरोना गाइडलाइन की पालना की जा रही है। आज पेच एरिया स्थित बालाजी के मंदिर से आजाद चौक स्थित रामलीला मैदान तक हनुमान ध्वज लाया गया, जिसको विधि विधान से आजाद चौक में लगाया गया। इससे पूर्व हनुमान ध्वजा का बालाजी मंदिर का पंडित आशुतोष शर्मा ने पूजा अर्चना की। कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष मुकेश नारायणीवाल ने बताया कि पिछले 74 सालों से रामलीला का मंचन बड़े धूमधाम से किया जा रहा है, लेकिन पिछले दो सालों से कोरोना के कारण रामलीला के मुख्य अंशों के दृश्य ही दिखाए जा रहे हैं। कमेटी की संरक्षक और नगर परिषद पूर्व सभापति मंजू पोखरना ने बताया, आज रामलीला की शुरुआत हनुमान ध्वजा लगाकर यहां पर की गई। इस बार भी कोरोना के कारण श्रद्धालुओं की बैठने की व्यवस्था नहीं की गई। शाम को गणेश वंदना के साथ रामलीला का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में रामलीला कमेटी के संरक्षक अशोक पोखरना, अध्यक्ष गोविंद व्यास सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। आज यहाँ पर नवरात्रि स्थापना पर बालाजी मंदिर से झंडा लाकर यहाँ रोपित किया गया और आज के दिन से ही रामलीला का मंचन शुरू किया जाएगा। कोरोना गाइडलाइन की वजह से, प्रशासन से परमिशन नहीं होने की वजह से यहाँ पर पिछले साल की बात ही जैसे रामलीला का मंचन किया गया, वैसे ही दो दृश्य करीब दिखाए जाएंगे और बैठने की कोई व्यवस्था नहीं की गई क्योंकि कोरोना गाइडलाइन की वजह से यहाँ परमिशन नहीं दी गई। तो पर भगवान राम का नाम पूरे वर्ल्ड के अंदर बड़े प्रेम से लिया जाता है, तो इस नाम को हम सुमिरन करते हुए भगवान राम की लीला यहाँ पर प्रदर्शित की जाएगी, जिसमें हमारे आज रामलीला के अध्यक्ष आदरणीय मुखिया जी नारायणीवाल के सानिध्य में, साथ में और अन्य सभी सदस्य यहाँ पर खड़े हैं। हमारे हनुमान जी का जो रोल अदा करने वाले मंगल जी झंडारोहण लेकर यहाँ आए, झंडा स्थापित किया और आज के दिन के बाद ही हम यहाँ पर बराबर मंचन करेंगे और 9 दिन से लेकर इसका वापस रावण का भी जुलूस निकाला जाएगा। जुलूस के साथ ही जैसे जैसे गाइडलाइन में हम काम करेंगे वैसे वैसे यहाँ पर कार्यक्रम की आयोजित किए जाएंगे। हमारे यहाँ 74 वर्ष से आज़ाद चौक में रामलीला का मंचन किया जाता है, पर 2 साल से कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए गए साल भी हमने रामलीला की मुख्य आकर्षण किए थे, इसी तरह इस साल भी कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए मुख्य आकर्षण किए दृश्य किए जाएंगे और कोरोना की गाइडलाइन की पालना किया जाएगी।